नमस्कार, आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। खेरलांजी विकास खंड के अधिकांश ग्राम बालाघाट मुख्यालय से लगभग 40 से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस महामारी में यदि कोविड-19 से कोई संक्रमित व्यक्ति जिला मुख्यालय जाता है तो उसे समय अधिक लगता है और परेशानी भी बहुत अधिक होती है। उसी परेशानी को देखते हुए विकासखंड खेरलांजी शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी BRC, प्रधान पाठक CAC एवं शिक्षकों द्वारा करीब 2 लाख रुपए की राशि जमा कर उसी राशि से 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें और 2 ऑक्सीमीटर खरीदी गई। उक्त सामग्री 20 मई को दोपहर 1 बजे BMO उप स्वास्थ्य केंद्र खेरलांजी को शिक्षा विभाग खेरलांजी द्वारा सौंप दिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वाटर फिल्टर की मांग की गई, जिस पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि कुछ ही समय में हमारे द्वारा स्वास्थ्य विभाग खेरलांजी को वाटर फिल्टर भी भेंट किया जाएगा। वहीं खेरलांजी स्वास्थ्य विभाग ने विकासखंड के समस्त शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का धन्यवाद किया। ऐसी कंडीशन में हमारे शिक्षक समुदाय ने निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम सरकार से कलेक्ट करके मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ऑक्सीजन मशीन डोनेट करें। इसी तारतम्य में हम शिक्षक साथियों के आपस में चर्चा होकर के सबने एक मुहिम चला करके राशि एकत्र करके आज हम 3 कंसंट्रेट ऑक्सीजन मशीन और 5 ऑक्सीमीटर डोनेट कर रहे हैं। हमने इसके अलावा भी यदि कुछ आवश्यक सामग्री हो तो हमारा जो शिक्षा विभाग है वो भी। जैसा कि आपने आज शिक्षा विभाग खेरलांजी के द्वारा 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरलांजी को कोविड केयर सेंटर में मरीजों के हेतु प्राप्त हुई है, तो इन 3 मशीनों को और पूर्व से अपने पास 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहले से उपलब्ध थे और अपने यहाँ कोविड केयर सेंटर 5 बिस्तरीय है, तो पूरे 5 बिस्तरों के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें हम उपलब्ध हो चुकी हैं। संकट की घड़ी में विकासखंड खेरलांजी के शिक्षा विभाग द्वारा एक सहयोग की मुहिम चलाई गई। एक मुहिम के दौरान हमने अपने सभी शिक्षक साथियों से अपील किया और सहयोग राशि के रूप में जो राशि जमा हुई उस राशि से हम लोगों ने 3 ऑक्सीजन उपकरण, 3 ऑक्सीजन मशीन और ऑक्सीमीटर क्रय किया और जिसे हम आज सामुदायिक हॉस्पिटल खेरलांजी को सौंपने जा रहे हैं। हमारे विकासखंड खेरलांजी के सभी हमारे शिक्षक साथियों ने शिक्षा से अपना सहयोग प्रदान किया, हमने धन्यवाद करना चाहते हैं और भविष्य में ऐसी भी कोई संकट की स्थिति हो तो हमारा जो विकासखंड खेरलांजी का शिक्षा विभाग है वो अपनी शिक्षा से इस सहयोग की कड़ी में हमेशा आगे रहेगा और ऐसा सहयोग करता रहेगा। सर, इस कोरोना विश्वव्यापी महामारी बीमारी में आप जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम ये देना चाहते हैं कि इस ऐसे संकट की घड़ी में भारत मतलब प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य हो जाता है कि किसी न किसी रूप में हम समाज का किस रूप में हम सहयोग कर सकते हैं, ऐसी आत्मीयता के साथ सबका ऐसा विचार होना चाहिए। ये हमारा संदेश।